अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हो जाएं होंगे। आज हमारी पहली सहरी है और आई होप आप सबकी पहली सहरी होगी और अल्लाह मियां सबको जो है वो रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाएं। आज मैं आपको अपनी पहली सहरी दिखाऊंगी, हम लोग सहरी में क्या खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं, मैं क्या खाती हूँ, बाकी घर वाले क्या खाते हैं, और कुछ बच्चे चंक्स खाते हैं, टेंडर पॉप्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, किसी ने पराठा एंड कबाब खाना है और किसी ने चाय पराठा खाना है। और पराठे हम जो है वो डॉन के खाते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो वाले पराठे बहुत ऑयली होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं उससे, इसमें ज़रा ऑयल कम होता है तो हम ज़्यादातर यही पराठे खाते हैं डॉन के। और आप सबकी सहरी कैसी जा रही है? सब आज उठे हुए होंगे सहरी के लिए और बहुत मज़ा आता है सहरी करते हुए। आप सबकी सहरी कैसी होती है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे। और आई होप सबने ही रोज़े रखे हुए होंगे और आज तो सभी उठे हुए होंगे। के बाद हम चाय बनाएंगे और मैं जो हूँ मैं बहुत सिंपल खाती हूँ, एक पराठा और एक जो है वो सिर्फ चाय का कप, इसके अलावा ज़्यादा मैं नहीं खाती क्योंकि मैं ज़्यादा अगर खा लूँ तो काफ़ी हेवी हो जाता है मुझसे। और रात को बिरयानी बनाई थी तो कुछ बच्चे एक बच्चा बिरयानी खाएगा एक दो, तो हमारी ये होती है सहरी और बहुत सिंपल होती है। और कभी फेनियाँ बन जाती हैं, कभी पराठे चाय होती, पराठा अंडा होता है, ऑमलेट वगैरह होता है, कभी ये होता है कि कोई और चीज़ जिसकी जो डिश पसंद आ रही होती है वो हम डिश बना लेते हैं। लेकिन रूटीन में सिर्फ डॉन के पराठे होते हैं, चाय होती है, पराठा होता है और इसके अलावा किसी और ने कुछ खाना है तो वो उनकी पसंद का बन जाता है। जी व्यूअर्स, जिस जिस का बनता जा रहा है मैं उनको भी सहरी देती जाऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा अभी कम ही रह गया है। 4:52 पे क्लोज हो जाएगा तो अभी मुझे चाय भी बना ली और सबको देना भी है। वाह, ये लो आपके। बस सबका नाश्ता सहरी तो बन गई है, अब मैं चाय बना रही हूँ और अपने लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ। अपने लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ खाती हूँ। जी फ्रेंड्स, अंडा भी बन गया है, एक पेटी बिरयानी खा रही है, बाकी सबको मैंने दे दिया है और ये मेरा सहरी है, पराठा है, एक अंडा और चाय का कप। चाय भी तकरीबन तैयार होने वाली है। जी व्यूअर्स, चाय मेरी बन गई है और चाय सबके लिए निकाल रही हूँ।
जी भी बस चाय मेरी ये बन चुकी है और हम सिर्फ तीन चाय पीते हैं, एक मैं, एक मेरे हस्बैंड और एक मेरी बेटी, बाकी सब चाय नहीं पीते। और अब ये सब कुछ चाय देने जा रहे हैं। जी भी बस हमारी सहरी हो गई ख़त्म, चाय भी हमने पी ली और अजान भी हो गई। अब मैं अफ्तारी के लिए जो है वो चने भिगो के रखूँगी और तो शाम में मैं इंशाल्लाह आपको अफ्तारी भी पूरी अपनी जो मेरी फर्स्ट डे की अफ्तारी होगी वो मैं दिखाऊंगी। बहुत कम चने बनाती हूँ, ज़्यादा चुकी है। और मैंने जो है वो आपको अफ्तारी के लिए चने मैंने भिगो दिए हैं और अभी मैं नमाज़ पढ़ के ख़त्म की है। और अभी हमारी पहली सहरी, पहले रोज़े की पहली सहरी ख़त्म हुई और इंशाल्लाह मैं आपको अफ्तारी भी दिखाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को अपनी फ़र्स्ट अफ्तारी भी दिखाऊंगी। और जब जब भी मुझे मौका मिला मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी अफ्तारी का, या जो नई चीज़ मैंने बनाई तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी। और दूसरा ये अल्लाह मियाँ ने ये बाबरकत महीना दिया है, सबके लिए दिया है, आई होप सब लोग उठते होंगे और अपना पहला रोज़ा रखते होंगे, पहली सहरी करते होंगे और पहली अफ्तारी सबको अल्लाह मियाँ नसीब फरमाए। और ये पूरा महीना बहुत बाबरकत है और अल्लाह मियाँ इसको अच्छे से हमें रोज़े रखने, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आई होप आप लोगों की भी जो है वो अफ्तारी अच्छी गुजरी होगी और अच्छी गुजरे और सहरी भी अच्छी गुजरी होगी आप लोगों की। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने सहरी में क्या क्या खाया और क्या क्या किया। और मेरी तो सहरी आप लोगों ने देख ली, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, नॉर्मल होती है क्योंकि सब बच्चे जो हैं वो डिफरेंट थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो इस वजह से मेरी अफ्तारी तो आप लोगों को पता चल चुकी होगी। आप अपनी अफ्तारी के बारे में बताइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सादा खाएं, कम खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें और स्पेशली कोरोना से अपने आप को महफूज रखें और अपने अड़ोस पड़ोस और दूसरे लोगों को कोरोना से महफूज रखें। और इस बाबरकत महीने को अल्लाह मियाँ आपको, हमें सबको जो है वो रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और नमाज़ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आई होप आप लोगों को मेरा ये सहरी ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखें और अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह मैं अफ्तारी का जो ब्लॉग होगा वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मेरी सहरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।